रोनस 1.4 केवी में अक्सर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो आप लोगों की तरफ से अक्सर ये कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर हमारी बैटरी जो है वो फुल नहीं होती, दो दो दिन चार्ज भी लगी रहती है, हमारी ये लाइट नहीं चलती और हमारी बैटरी ओवरऑल फुल नहीं होती, तो इसके लिए क्या सेटिंग है। तो यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं कि अगर आपकी बैटरी फुल नहीं हो रही तो आपने कौन सी सेटिंग करनी है, उसके बाद आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। अब सबसे पहले ये हमारा इन्वर्टर आ चुका है, इसके आपने सेटिंग मेन्यू में चले जाना है। ठीक है, एंटर का बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे आप इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपने आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पाँचवें नंबर की, छठे, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां। जैसे ही आप लोग 11 नंबर की सेटिंग ऊपर आएंगे यहाँ पर आपको 14.0 करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले जब आप लोग पहले अपने इन्वर्टर को देखेंगे आपके यहाँ पर मे बी 13.5 लिखा होगा, जब आप इसको 14.0 के ऊपर करोगे तब ही आपकी बैटरी फुल होगी। इसको 14.0 से नीचे रखोगे आपकी बैटरी कभी भी फुल नहीं होगी, तो 14.0 जब आप रखोगे आपकी बैटरी फुल भी हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे साथ भी ये मसला आया था, मेरी बैटरी फुल नहीं हो रही थी तो मैंने इसको 14.0 के ऊपर रखा, मेरी बैटरी उस दिन से फुल चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को भी सिंपली 11 नंबर वाली सेटिंग को आपने फुल के ऊपर रखना है, 14.0 के ऊपर रखना है, आपका इन्वर्टर जो है वो आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से उसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।